हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगली सैजोजी के लैपटॉप में विंडोज 7 डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है हमारे पास देखिए बूटेबल एसडी कार्ड रीडर और ये हमारा लैपटॉप है। तो हम अपने लैपटॉप को ओपन कर देते हैं और हम अपने एसडी कार्ड को इसमें इंसर्ट करा देते हैं। और हमने देखिए एसडी कार्ड को लगा दिया है और यहाँ पर हम स्किप की प्रेस करेंगे। और देखिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं जिनमें से हमें F9 की प्रेस करना है। देखिए बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए F9 की प्रेस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम देखिए ये MFT USB हमको इस पर एंटर कर देना है। अगर ये देखिए विंडोज लोडिंग फाइल ले रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग विंडो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर बता रहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, तो हमें अपने इंग्लिश रखना है। और उसके बाद बता रहा है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, हमें यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स रखना है। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर यहाँ से नेक्स्ट और उसके बाद देखिए इंस्टॉल विंडोज, हमें इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। देखिए विंडोज एक्टिवेटर सेटअप स्टार्टिंग, थोड़ा सा वेट करना है। देखिए हमें बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। देखिए हम देखिए आप जिसमें से चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिंपली विंडोज 7 प्रोफेशनल यूज करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर दूँगा। और यहाँ पर हमें आई एग्री इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेट, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। देखिए बता रहा है अपग्रेड और कस्टम एडवांस, तो हमें यहाँ पर कस्टम एडवांस पर क्लिक कर देना है। और देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क है, तो आपको एक एक करके फॉर्मेट करना है। तो आपको इस पर तो आपको जो फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मिल जाएगा डिवाइस ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आपको देखिए आप जिस भी डिस्क में अपना विंडोज रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉपिंग विंडोज देखिए इंस्टॉल विंडो हो रहा है, तो इसमें टाइम लगता है। तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब तक ये होता है। गाइस देखिए हमारा विंडो इंस्टॉल हो रहा है और इस बीच आपका कंप्यूटर 2 या 3 बार रिस्टार्ट हो सकता है। तो देखिए हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को फिर से स्किप कर देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर बता रहा है टाइप ए यूजर नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर पासवर्ड लगाने के लिए बोल, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए बता रहा है हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव विंडोज ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर हमें आस्क मी लेटर पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर टाइम के लिए बता रहा है, तो हमें नेक्स्ट कर देना है, बाद में कर सकते हैं इसको। देखिए विंडोज 7 प्रोफेशनल विंडोज इज एक्टिवेटेड योर सेटिंग, तो यहाँ पर हमें वेट करना है। गाइस देखिए हमारा लैपटॉप ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग विंडो लिखकर आ रहा है। देखिए विंडोज एक्टिवेटर सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, तो यहाँ पर हमें वेट ही करना है और कुछ नहीं करना। तो गाइस देखिए हमारा लैपटॉप ओपन हो रहा है, विंडोज 7 प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, हमें यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा।
गाइस ये देखिए हमारा विंडो प्रॉपर तरीके से पड़ चुका है। अगर आपको इसमें कोई सी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।